गुरुवार को सुबह 9 बजे आंधी के साथ बादल कड़कते हुए बारिश शुरू हुई। हर्रेदार गांव के बच्चे घर के सामने बाग में आम बिनने चले गए। इसी दौरान अचानक तेज बारिश और आकाश में बिजली कड़की, बच्चे आम के पेड़ के नीचे रुक गए। इतने में तेज आवाज के साथ आकाशीय बिजली नीचे आ गिरी, जिसमें चार बच्चियां झुलस गईं। घर के दरवाजे पर बैठे कुछ लोगों की नजर उन बच्चों पर पड़ी तो वो दौड़ पड़े। हालात खराब देख लोग नजदीक अस्पताल उन्हें ले गए। चिकित्सकों ने 13 वर्षीय सीता पुत्री इंद्रसेन को मृत घोषित कर दिया। वहीं 9 वर्षीय इच्छा ओझा पुत्री विनोद, 8 वर्षीय रीता पांडे पुत्री ब्रिजेश पांडे एवं 8 वर्षीय रिया शर्मा पुत्री सुभाष शर्मा का उपचार किया जा रहा है। उधर बिजली गिरने से सीता की मौत की सूचना मिलने पर सीकरीगंज पुलिस और खजनी तहसील के प्रशासनिक अधिकारियों हरडेदाल गांव में जाकर मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। नायब तहसीलदार खजनी संजीव दीक्षित ने बताया कि झुलसे बच्चों के उपचार के लिए हिदायत दी गई है। वज्रपात में गंभीर रूप से झुलसी इच्छा ओझा को जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए इच्छा के चाचा ने कहा, इस लड़की का भी दर्द हो गया। क्या नाम है आपका? नित्यानंद ओझा। नित्यानंद जी, क्या हुआ अभी? ये थोड़ा सा बादल लगा, बारिश होने का मौसम बना, उसी टाइम में बिजली, आकाशीय बिजली गिरी, 3-4 बच्चे मतलब इसके चपेट में आए, जो कि 2-3 तो मर गए। अभी ये मतलब इसको मैं किसी तरह से सिकरीगंज से यहाँ तक लेकर आया। क्या नाम है इसका? इच्छा।